तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग आए हैं बाइक रिव्यू करने। तो आज हम लोग इंडिया के पेरेंट्स की सबसे शानदार गाड़ी और धाकड़ गाड़ी स्प्लेंडर के बारे में आज हम लोग आपको रिव्यू देने वाले हैं। तो एकदम अभी तो इसका नया मॉडल आया है और कभी काफ़ी शानदार मॉडल है इसका, स्प्लेंडर एक्सटेक, जो कि अभी मार्केट में एकदम ब्लैक तबाही मचा रहा है। पर इस वीडियो में फुल डिटेल्स देने वाले, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो इस गाड़ी की क्वालिटी की बात करें तो भाई हाय हाय, क्या जबरदस्त और क्या लुक बनाया है ना। इस मामले में मैं तो हीरो को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि भाई इस गाड़ी का, कि अपन लोग गाड़ी लोग ऐसी मॉडिफाई करते हैं पर कंपनी मॉडिफाई गाड़ी अब हमको दे रही है, तो भाई ये चीज़ मार्केट में मचा रही है तबाही। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना भाई, इतनी शानदार है। अभी इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें दोनों टायर आपको ट्यूबलेस देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं और काफ़ी शानदार माइलेज देखने को मिलता है भाई। स्प्लेंडर का माइलेज बताने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी धाकड़ बाइक चलाने वाले होंगे ना, इस बाइक के बारे में हर कोई जानता है कि इसका एवरेज कितना रहता है। कंपनी से इसका 85 का एवरेज निकल रहा है, तो हमने इसका एवरेज निकाले तो हमारा एवरेज निकला है 75 किलोमीटर पर लीटर, जो कि काफ़ी शानदार एवरेज देखने को मिलता है इस बाइक के साथ। इस बाइक की क्वालिटी की बात तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि सबको पता है कि भाई स्प्लेंडर क्या चीज़ है और क्या लोहा है। तो इसको छोड़ते हैं, अब आते हैं इसके लुक पे। तो आपको ये पूरी ब्लैक कलर में मिलेंगी और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है तो वो पड़ती है 95 में, अभी एक्स शोरूम प्राइस चल रहा है। तो आप आगे से देख सकते हैं इस बाइक का लुक कितना शानदार है। बाकायदा जिस भाई ने इस बाइक को लिया, सबसे पहले तो उसने माँ लिखाया, तो एक लाइक माँ के लिए बनता है। और बाकी इसका जो हेडलाइट है आगे का, काफ़ी शानदार है। और आपको यहाँ पे एक छोटी सी एलईडी लाइट देखने को मिलती, काफ़ी शानदार लुक बनाती है। एक छोटी सी लाइट इस बाइक की काफ़ी शानदार लुक बना देती है। और आप इसके हेडलाइट और इंडिकेटर देखिए, काफ़ी शानदार, काफ़ी मज़ेदार और लुक एकदम भाई कड़क, एकदम कड़क। अब चलते हैं पीछे की ओर, आपको पीछे साइड भी इंडिकेटर सेम फुल प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं आप हेडलाइट वगैरह, बैक हेडलाइट पूरे प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलता है, काफ़ी शानदार। और क्वालिटी देखिए आप बाइक की, शाइनिंग देखिए भाई, नई हो या पुरानी इसकी शाइनिंग कम नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें पेंट ही उस कलर का लगा है, काफ़ी शानदार। तो बात करते हैं बाइक के फीचर्स के बारे में कि इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। फीचर्स तो भाई शानदार है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ITS टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि फ्यूल को काफ़ी ज़्यादा बचाती है ये टेक्नोलॉजी। और उसके बाद आपको डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टर भी देखने को मिलता है, जिससे आप अपने मोबाइल से इस बाइक को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर से आपका मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट होता है तो आपको यहाँ पे सिम्बॉल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बैटरी, अगर से आपके मोबाइल में कितनी बैटरी वो देखने को मिल जाएगी, और आपको कितने कॉल और कितने मिस कॉल आए वो भी देखने को मिल जाएंगे, और आपको कितने मैसेजेस आए वो भी देखने को मिल जाएंगे, जिसका कॉल आया वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अब अगर बात करें तो इस डिजिटल मीटर की, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लुक दिखता है। और उसके बाद सबसे अच्छी बात है, आप अगर से यहाँ पे जितनी स्पीड में इस बाइक को चलाएंगे, आपकी बाइक कितने का एवरेज दे रही है उस स्पीड से, तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा चार्जर कनेक्टर भी देखने को मिल जाएगा, USB, जो कि काफ़ी शानदार है। आपको ये फीचर्स भी अच्छे से देखने को मिल जाता है इस बाइक में, तो कम बजट में काफ़ी शानदार बाइक मिलती है आपको ये स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, जो कि माहौल है भाई। भाई इस बाइक में एक चीज़ सबसे डिफरेंट देखने को मिली, क्योंकि इस बाइक में ऑन ऑफ और रिजर्व का कोई भी सिस्टम नहीं है, सब ही ऑटोमेटिक है सब कुछ, और ना यहाँ पे चोक का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि ये चीज़ इस बाइक को अलग बताती है, सब कुछ ऑटोमेटिक। अगर आपकी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आप चोक देख के नहीं ले जा सकते भाई, इसलिए लिमिट के हिसाब से चलाना और पेट्रोल भर लेना, तो ये अपनी सेफ्टी है, क्योंकि चोक नहीं है तो
ये भी ठीक है, कोई ना कोई ऑप्शन होगा चोक और ऑन ऑफ हटाने का, तो कुछ ना कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा दिया है, तो भाई इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, काफ़ी अच्छा है। तो ये बाइक आती है 100cc के इंजन पावर के साथ, ये बाइक आती है और 9.8 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक आता है और इसका वेट है 112 किलो। ठीक ठाक ही वेट है भाई, 112 किलो वेट है, नॉर्मल है। और इस बाइक की ब्रीड क्वालिटी की तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि पीछे चार बोरे डाल लो 50-50 किलो के, भाई धाकड़ पहाड़ चढ़ जाएंगी, इतनी तगड़ी गाड़ी होती है स्प्लेंडर प्लस। और तो इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर वन पर चलने वाली बाइक है तो वो है स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर। तो भाई स्प्लेंडर के फैंस भाई वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। तो अब चलते हैं इसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके और करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो भाई अब चलते हैं और इसकी करते हैं टेस्ट ड्राइव की, इसकी लास्ट स्पीड टॉप स्पीड कितनी है और क्या प्रॉब्लम है और चलाने में कितना मज़ा आता है इस बाइक को, तो वो टेस्ट करते चेक करते हैं। तो पहले पे तो ये 50 पहुंच गई और आवाज़ भी एकदम स्मूथ है, टेंशन नहीं है। और सेकंड पे 60, काफ़ी शानदार है भाई। और इसकी सीटिंग पैडक तो इतनी काफ़ी शानदार है, 80 पे है, नया इंजन है, लिए अभी 2 दिन हुए तो मैं ज़्यादा भगाऊंगा नहीं, पर भाई मज़ेदार 88 है, 89, 90, 90, 99। तो नहीं भगाऊंगा भाई, बहुत है, मज़ा आ गया। स्पीड और बाइक चलने में इतनी ज़्यादा स्मूथ है, गाय बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मज़ा आ गया। और स्प्लेंडर में चलाओ तो थकान नाम की कोई चीज़ भी नहीं रहती है, ये आप सभी तो जानते होंगे कि बिना थकावट के गाड़ी कितने दूर तक लंबे टूर पर चला सकते हैं अपन। तो टॉप रोड पे तो हम लोगों ने देख लिए है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ी ऑफ राइडिंग करने। और भाई ये रोड थोड़ी सी ख़राब है, तो पता चल जाएंगे इसके साकप के सस्पेंसर कितने सही है। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पर भी स्पीड कम नहीं करेंगे, पजाएंगे। भाई खींचती ना गाड़ी मज़ा आ जाता है, व्यू देखो काफ़ी शानदार व्यू है, बास्त बड़ा तालाब। और ये थोड़ी सी ख़राब रोड है, यहाँ पे भाई नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है भाई, कुछ भी नहीं लग रहा है कि है ब्रेकर लग रहे हैं। मानो तो नई बाइक है, फिर भी इसके जो साकब है बहुत ही शानदार है, इतनी ही ऑफ रोडिंग मिली मेरे को। और दूसरी बाइक में समझ में आ जाता है भाई, पर ये बाइक जानदार है, साकब जो है इसके काफ़ी कमाल के दिए गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। पर स्प्लेंडर बाइक में थकान नहीं होती, इस बात के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। चलो एक बार फिर से खींचते हैं इसको, मजा आ जाता है यार गाड़ी चलाने में, ये शानदार भाई। बोलते हैं तो स्प्लेंडर है, माहौल तो है, रियली वो बहुत ही शानदार बाइक है, मानना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं न्यू वर्सेस ओल्ड बाइक की ड्रैग रेस करवाएंगे और उसमें भी पता चल जाएगा कि अभी न्यू वर्सेस ओल्ड में क्या क्या फीचर्स चेंज हुए और क्या इंजन में चेंजेस आए हैं और उसकी स्पीड और क्वालिटी में क्या क्या फ़र्क आया है, वो भी टेस्ट अगर आप बोलो तो मैं इसके लिए ड्रैग रेस लाऊंगा आपके कहने पे। भाई थोड़ा आराम से तो कमेंट में बताइए, अगर आपको ड्रैग रेस चाहिए, दोनों की कंपेरिजन चाहिए, तो मैं एक ऑफिशियली वीडियो बना के आपके लिए लाऊंगा। तो आप सब लोग टेस्ट करना, चेक करना, इंजॉय करना, मज़े करना। तो अब इस वीडियो को करते ही समाप्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो हम लोग आपके लिए लाने के लिए ट्राई करेंगे, और डेली ब्लॉग्स लाने का सोचा हूँ मैं, तो वो भी चालू करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट बाइक के रिव्यू या कार के रिव्यू के साथ। जब तक के बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखिए, अपना घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मज़े कीजिए, बाय बाय।